श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बीते 13 दिसंबर को लोकप्रिय आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पार्टी के युवा नेता विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन यानी 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने जो चुनाव कैंपेनिंग के दौरान मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से वंचित हो गए उनको मकान देने का काम करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। वही काम हम लोग पहले कैबिनेट में किए और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है उस हम सब लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि राज्य में धान का उत्पादन करने वाले किसानों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम 2 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान आगामी 25 दिसंबर को किया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने यह आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था उसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आने वाले समय में मोदी की गारंटी के हर वादे को पूरा करेगी। पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है, फिर भी क्योंकि इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत और बहुमत दिलाने के लिए राज्य के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास किया, बड़ी सफलता हम लोगों को दिलाने का काम किया, 54 सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें हमने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री अरुण साव जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया और ऐसे शपथ ग्रहण समारोह में हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को आशीर्वाद देने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे थे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पधारे थे और कई
केंद्रीय मंत्रीगण पधारे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रीगण पधारे थे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा चुनाव में राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार सफलता पर कहा कि आदिवासी समाज ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है और उनकी सरकार आदिवासियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए है, पूरी तरह से सफाया कर दिए है। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है और वैसे आजादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है, जो मध्य प्रदेश में था, और इस ट्राइबल बाहुल इलाके का समुचित विकास हो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार में पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो इसके लिए भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है और मैं पिछले 20 साल सांसद था और मेरा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार में सांसद था, मोदी जी के सरकार में भी था, उनके प्रथम शासनकाल में राज्यमंत्री का भी दायित्व था, तो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया। और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो सुधर गया। और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दारी नहीं ठगान, पिछले दारी ठगा, दारी ने दारी नहीं ठगान, और इस बार नहीं ठगाए। और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ वो वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है और उनके हित में काम किया है। जितना मान और सम्मान आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है उतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है। और आज जो भी काम पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से हुए वो भी ट्राइबल लोगों के हित में हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले ट्राइबल क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी होती थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था खाने के लिए, तो लोग कोदो कुटकी गोंदली खाते थे, महुआ को उबाल के उसमें सरई का बीज मिला के खाना पड़ता था, उसके बाद भी बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ता अनाज देने का काम शुरू हुआ। पहले 3 रुपया किलो में देना शुरू किए, फिर 2 रुपया में, फिर 1 रुपया में। और इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। आज कहीं कोई भूखमरी नहीं, तो ये तो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और भी हर क्षेत्र में 15 साल में विकास के काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इतना तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब माता पिता हैं उनकी बेटी की शादी तक की भी चिंता किए। और हम तो कहते थे कि
मतलब इतना काम किए कि बच्चा जब मां के गर्भ में है तब से लेकर मृत्यु तक सरकार कोई ना कोई योजना चलाकर उनका सेवा करने का काम की, इसमें ज्यादा आदिवासियों को ही तो लाभ हुआ है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार इस बारे में विचार करेगी कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।